हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग यहाँ उपभोक्तावाद की संस्कृति क्लास नाइन का जो चैप्टर है, क्लास नाइन, इसका कौन सा बुक? क्षितिज बुक, ठीक है ना। क्षितिज का जो बुक है क्लास नाइन का, उसमें हम लोग कौन सा हिस्सा देख रहे हैं पता है आपको? मैं बता देता हूँ, गद खंड। गद खंड ये देख रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग बहुत सारी चीजों को देखेंगे, राइट। बहुत सारी चीजों मतलब जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उन सभी को देखेंगे, और इम्पोर्टेंट सभी। जैसे यहाँ पे उपभोक्तावाद की संस्कृति है, इसके जो लेखक हैं इनका नाम है श्याम चरण दुबे। ये क्वेश्चन आपको झारखंड के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं, क्योंकि आपको पढ़ना ही है उपभोक्तावाद की संस्कृति, ठीक है। तो उपभोक्तावाद की संस्कृति में जो सबसे यहाँ इम्पोर्टेंट हो जाता है कि लेखक कौन है, श्याम चरण दुबे हो जाएंगे। उसके बाद पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, श्याम चरण दुबे का जन्म कब हुआ था? तो श्याम चरण दुबे का जन्म कब हुआ था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। श्याम चरण दुबे का जन्म कब हुआ था बताएं। कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं, कितना सही कर पाते हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो श्याम चरण दुबे का जो जन्म हुआ था 1922 ईस्वी को हुआ था। ये गलत आंसर है, ये भी गलत आंसर है, ये भी गलत आंसर है। तो 1922 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ये ध्यान रखना, आपको एकदम रट जाना है पूरा एकदम अच्छे से। श्याम चरण दुबे का जन्म जो है 1922 को हुआ था। और इनमें से कौन सी रचनाएं जो है श्याम चरण दुबे की है, तो कौन सी रचना जो है श्याम चरण दुबे की है आप बताएं। श्याम चरण दुबे की रचना कौन सी है इसमें से, है ना। तो श्याम चरण दुबे की संरचना जैसे आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये उपभोक्तावाद की संस्कृति, तो उसी तरह से मानव और संस्कृति जो है ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा? श्याम चरण दुबे के द्वारा। बीजक जो है वो नहीं होगा, मानसरोवर नहीं होगा, तो सिर्फ एक आंसर यहाँ सही है वो होगा, ठीक है। मीन्स गा नंबर जो आंसर है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, परंपरा और इतिहास का बोध किनकी रचना है? परंपरा और इतिहास का बोध, परंपरा का बात जो है श्याम चरण दुबे करते हैं, और हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उनके जो लेखक हैं वो भी श्याम चरण दुबे ही हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? श्याम चरण दुबे, ठीक है। इसका ध्यान रखना आपको, श्याम चरण दुबे इनका लेखक हो जाएगा, और मोहन राकेश नहीं होगा, माखनलाल चतुर्वेदी नहीं होगा। तो जो राइट आंसर है वो खा होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, उपभोक्तावाद की संस्कृति किनकी रचना है? ये तो सबसे इजी क्वेश्चन, अभी स्टार्टिंग में यहाँ पे हम बताएं कि उपभोक्तावाद की संस्कृति जो है ये श्याम चरण दुबे की रचना है। तो उपभोक्तावाद की संस्कृति किनकी रचना है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो श्याम चरण दुबे की रचना होगा, श्याम चरण दुबे की। और राकेश जोशी ये गलत है आंसर, और ये भी गलत है, मोहन राकेश ये भी गलत आंसर है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है, उपभोक्तावाद की संस्कृति में किस चीज को प्रस्तुत किया गया है? किस चीज को प्रस्तुत किया उपभोक्तावाद की संस्कृति में? तो वास्तविकता को प्रस्तुत किया गया है, है ना, जो वास्तविक चीज है वो। क्योंकि उपभोक्ता का मतलब होता है कस्टमर, कस्टमर होता है, क्या होता है? कस्टमर, ठीक है। और कस्टमर का अभी के डेट में सिचुएशन क्या है कि कोई आदमी अगर मोटा नहीं है तो अभी मोटा होने का को क्या बोले तो वो सप्लीमेंट यूज किए जा रहा है ना। कुछ पतला है नहीं, बट पतला होना है उसे, और वो यूज किया जा रहा है। मीन्स क्या है कि अभी एडवर्टाइजमेंट का जो है ट्रेंड वो बहुत ज्यादा चल रहा है कि लोगों को चीजों की जरूरत नहीं है, बट एडवर्टाइजमेंट देख देख के उन्हें ये लगता है कि वे उनकी बहुत ज्यादा उन्हें जरूरत है, ठीक है। तो उपभोक्तावाद की संस्कृति में जो लेखक हैं श्याम चरण दुबे, वो वास्तविकता को बता रहे हैं। अगला है इसमें, वर्तमान समय में हमारी निगाहें किन वस्तुओं पर नहीं जाती है? तो किन चीजों पे नहीं जाती हमारी निगाहें अभी वर्तमान समय पे? वर्तमान समय पे अगर हम लोग बात करें तो गुणवत्ता वाली चीजें हम लोग जो है छोड़ रहे हैं धीरे धीरे, जबकि इसका जरूरत जो है हमेशा रहेगा, हमेशा, ऑलवेज ऑलवेज रहेगा। गुणवत्ता वाली चीजें को लोग तो बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं। अभी बढ़िया पैकेट होना चाहिए, ठीक है, एकदम चमक धमक होना चाहिए, और 30-40% का ऑफ होना चाहिए पैकेट पे, उसके पीछे लोग बहुत ज्यादा भागते हैं,
ठीक है। अभी के डेट में क्या है कि कोई भी मूवी आता है और मूवी में कोई भी हीरो अगर बढ़िया कपड़ा पहने हुए, भले ही वो कपड़ा जो है वेस्टर्न कल्चर का हो या ठंड इलाके में पहना जाता हो, लेकिन ट्रेंड ऐसा बनेगा गर्मी के दिन में भी ठंड वाले कपड़े लोग पहनना चालू करेंगे। तो फैशन की वस्तु हो गए, सामाजिक वस्तु, ये नहीं है, गुणवत्ता की वस्तु के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, वर्तमान समय में हमारी जो निगाहें हैं वो वस्तुओं पर नहीं जाती है, लेकिन जाना चाहिए। ठीक है, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है इसमें अगला क्वेश्चन कि श्याम चरण दुबे द्वारा रचित कौन कौन सी रचनाएं जो हमारे पाठ पुस्तक में है, कौन सी रचना जो है हमारे पाठ पुस्तक में है। तो हमारे पाठ पुस्तक में जो रचना है श्यामचरण दुबे के द्वारा, वो वही है उपभोक्तावाद की संस्कृति में। इसका आंसर यहीं लिख देता हूँ जो इसका आंसर है, क्योंकि पेज जब आगे पलटी होगा तो उसमें जो है चीजें आपके ऑप्शन अलग हो जाएंगे, क्वेश्चन अलग हो जाए। तो मैं यही लिख देता हूँ, उपभोक्तावाद की संस्कृति, उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये चीजें आपके सामने। इसका आंसर ये है, क्या आंसर है, उपभोक्तावाद की संस्कृति। ठीक है, चलिए। तो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला 7 नंबर हो गया, अगला जो है किन सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, किन सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है ये बताने हैं आपको। तो जो मार्केट भरा हुआ है ना, वो विलासिता की सामग्रियों से भरा हुआ है। विलासिता का मतलब लोग उन चीजों को एक बार देखते हैं और उसमें मोहित हो जाते हैं कि उनको चाहिए चाहिए, उसको जरूरत है नहीं। अभी कोई आदमी मोबाइल लेने जाए अगर मार्केट, तो उसको एकदम बढ़िया मोबाइल चाहिए, एकदम पूरा डिस्प्ले एकदम चमकते रहना चाहिए, बैक पैनल भी एकदम बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो उससे क्या हो रहा है, मन को खुशी मिल रहा है, मन को शांति मिल रहा है अभी के डेट में, लेकिन मन का शांति इन सब मेटेरियलिस्टिक चीजों से नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इस चीज को बोलते हैं विलासिता की सामग्री। गुणवत्ता तो कोई मतलब है नहीं, अभी पिछला ऑप्शन बताया था इधर जाना चाहिए, लेकिन किन सामग्रियों से अभी बाजार भरा पड़ा है ये चीज। खाद सामग्री से तो भरा पड़ा है, लेकिन क्वालिटी वाला खाद तो है नहीं। ठीक है ना, शिक्षा सामग्री से, जितना चीजें चमक धमक की चीजें मार्केट में पड़ी हुई है, वो अगर शिक्षा की चीजें उस तरह से भरी पड़ी रहे तो बहुत अच्छी बात है। एक मैं न्यूज देख रहा था, उसमें क्या था, अमेरिका, अमेरिका में बुक का मॉल है, समझ, जैसे कपड़ा का मॉल होता है ना, उस तरह से बुक का मॉल। ठीक है, दिल्ली में भी बुक का मॉल है, आपको वहाँ किताबें जो हैं देखने को मिलेंगी, जिस तरह से लाइब्रेरी टाइप का एकदम पूरा, आपको जो भी किताबें पसंद है उसको लीजिए, उसका बिल बिलिंग करवाइए और किताब को आप लेके जा सकते हैं, है ना। तो आप इन सब जगहों पे देखेंगे तो वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने वाले बहुत लोग हैं, पढ़ाई पे विशेष ध्यान देते हैं, किताब पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। बट अभी का जनरेशन क्या है, उसको सिर्फ चाहिए मोबाइल, ऑफलाइन जीवन नहीं बिताना चाहता, ऑनलाइन जीवन बिताना चाहता है। ऑफलाइन अगर जीवन बिताएगा ना, तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, जो चीज़ अभी मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये मैं हो सकता है 15 मिनट का वीडियो चला जाए, लेकिन अगर आपके पास किताब रहेगा तो इसको आप 2 मिनट में सारा का सारा पढ़ सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, वो देखिएगा, किन पेस्ट के विज्ञापन के लिए, इनमें से कौन सी बातें नहीं है, है ना, पेस्ट का विज्ञापन के लिए इनमें से कौन सी बातें नहीं है। तो कौन सी बातें नहीं होंगी, देखिए पेस्ट है, पेस्ट मतलब टूथपेस्ट, टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट में मुंह का दुर्गंध को हटाता है, सही बात है भाई, हटाता है, दांत को चमकाता है, एकदम चमकाएगा, पूर्ण सुरक्षा देता है, दांत के लिए जरूरी है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ये तो डिटर्जेंट का है, डिटर्जेंट मतलब सरफ का, और कौन सा सरफ है, घड़ी सरफ है, जो बचता है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, एक आती है ना लेडी वो बोलती है ना, तो ये घड़ी का है, और इधर का ऊपर का तीनों जो ऑप्शन है वो सही है, तो कौन सी बातें नहीं होंगी, तो घा आंसर जो है सही हो जाएगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगला जो है, विज्ञापन और प्रसार हमारी कौन सी व्यवस्था को बदल देती है, विज्ञापन और प्रसार जो है हमारी कौन सी व्यवस्था को बदल देती है,
टेन नंबर, तो हमारी मानसिक व्यवस्था जो है उसको बदल देता है। हमें पता है कि हमको क्या चाहिए, लेकिन चमक धमक की दुनिया में लोग भूल जाते हैं कि उन्हें चाहिए क्या, भटक जाते हैं, सुन रहे बात को, और जो चीज उन्हें आवश्यकता है जिन चीजों को, वो चीजों को नहीं लेते हैं। तो ये चीज सही है, मानसिक व्यवस्था को बदल रहा देता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तीनों ऑप्शन। चलिए अगला देखिएगा, नेक्स्ट। किसने कहा था कि स्वस्थ रहने के लिए अपने घर के दरवाजे खिड़की को खुला रखें? हाँ, कौन थे वो व्यक्ति जो बोल रहे थे कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो घर का दरवाजा और खिड़की जो है उसको खुला रखिए? तो बताइए आप 11 नंबर का आंसर। तो वो व्यक्ति कौन थे? वो महात्मा गांधी है वो व्यक्ति, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू नहीं है, सरदार पटेल भी नहीं है, विवेकानंद नहीं, कौन है? महात्मा गांधी। कहीं ना कहीं ये जो है बहुत अच्छे बोल रहे हैं, क्योंकि घर जो होता है ना, घर वो जो होना चाहिए, घर जो है एरी होना चाहिए, एरी मतलब हवादार होना चाहिए, हवा आना जाना चाहिए घर से, और अगर हवा आएगा जाएगा तो क्या है कि फ्रेश रहेगा पूरा, है ना, चीजें फ्रेश रहेंगी, नहीं तो फिर बहुत ही खराब जो है दुर्गंध हो जाता है घर में। ठीक है, तो एरी होना चाहिए ताकि फ्रेश हवा जो है आपके घर में आना जाना लगा रहे। चलिए अगला देखिएगा, वर्तमान समय में भोग की आकांक्षाएं किस प्रकार है? तो वर्तमान समय में जो भोग की आकांक्षाएं है, भोग की आकांक्षाएं है वो किस प्रकार है? तो बताया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वर्तमान समय में जो भोग की आकांक्षाएं है ना, वो एकदम आसमान छू रही है। हर आदमी को BMW चाहिए, हर आदमी को KTM चाहिए, हर आदमी को iPhone चाहिए, ये सभी चीजें क्या है? भोग करने की चीजें हैं, ठीक है। लेकिन अगर रियल में देखा जाए तो ये जो चीजें हैं उल्टा आप ही को भोग रहा है। ठीक है, अगर आप BMW ले लेते हैं तो आपका जो मनी है उसको भोगेगा ये, क्योंकि इसको मेंटेनेंस करना बहुत ही कॉस्टली पड़ जाएगा। KTM ले लेंगे आप तो भी इसका मेंटेनेंस जो होता है उसको देखना होगा, मतलब यही भोगेगा आपको, आप नहीं भोगेगा, इसमें आप पेट्रोल डालिएगा, इसका आप मेंटेनेंस देखिएगा। ठीक है, आईफोन है तो ये आप इसको नहीं भोग रहे हैं, आपको ये भोग रहा है, आपका टाइम किल कर रहा है, आप लोगों को दिखाने में बिजी हैं। चलिए अगर इसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 13 नंबर क्वेश्चन, तो बोल रहा है कि उपभोक्ता संस्कृति हमारे सामाजिक नींव को क्या कर रही है? जो सामाजिक नींव है ना, उनको क्या है कि क्या कर रही है? अगर यहाँ क्वेश्चन देखें सामाजिक नींव को क्या कर रही है, समाज को क्या कर रहा है उपभोक्ता संस्कृति के माध्यम से, तो 13 नंबर का क्वेश्चन देखें, तो जोड़ने का काम तो हो नहीं रहा है। उपभोक्ता संस्कृति जैसा है वो खराब कर रही है, तो खराब करने का सेंस यहाँ पे ये है कि हिला रही है, क्या कर रही है? हिला रही है, ठीक है ना, ये नहीं होना है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो उपभोक्ता संस्कृति के मतलब ये है कि श्यामचरण दुबे यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि लोग एकदम चमक धमक के पीछे पड़ गए हैं, है ना। अगर देखा जाए कि लोग कॉफी पी रहे हैं तो ज्यादा देर तक काम करते हैं, सब एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाता है। ये दिखाया जाता है कि माउंटेन ड्यू पी करके कोई भी एक्टर जो है वो पहाड़ पे से बाइक कुदा दे रहा है, ठीक है। तो समझ लीजिए समाज का नींव को हिलाने का काम कर रहा है, सही चीज नहीं है वो, है ना। आप अगर एक गिलास सत्तू पीजिएगा तो आपके बॉडी में ताकत आएंगी, अगर आप एक गिलास गन्ना पीजिएगा तो आपके हेल्थ के लिए सही है, आप एक गिलास अगर दूध पी रहे हैं तो वो सही है, लेकिन वहीं अगर आप एक गिलास माउंटेन ड्यू पी रहे हैं, आप स्प्राइट पी रहे हैं, पेप्सी पी रहे हैं, तो डेट्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। 14 नंबर देखिए, संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के छिन्न हो जाने के कारण हम क्या हो रहे हैं? तो संस्कृति के नियंत्रक शक्तियों को छिन्न हो जाने के कारण क्या हो रहा है? तो यहाँ पे भ्रमित हो रहा है, दिग्भ्रमित है ना, क्या हो रहा है? दिग्भ्रमित हो रहे हैं, ये चीजें एकदम सही नहीं है, दिग्भ्रमित हो रहे हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और अगर बात किया जाए तो ये भी नहीं होगा। जो राइट आंसर है वो क्या है? गा नंबर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी वो ये सारी
जो क्वेश्चंस हैं वो समझ में आए होंगे। आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को लाइक कर दें आप, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बताएं, है ना, कि आपको और कौन से चैप्टर पे चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि अभी सभी चैप्टर पे आपको चीज़ें मिले और अच्छे ढंग से मिले। अगला जो इसमें चैप्टर है वो है सामले सपनों की याद, जाबिर हुसैन के द्वारा लिखा हुआ है। और जाबिर हुसैन जो है नालंदा जिला के एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, अभी तक जीवित है ये, 1945 में इनका जन्म हुआ था, है ना। और इनके बारे में हम पढ़ेंगे, चीज़ों को जानेंगे। तो चौथा चैप्टर जो है सामले सपनों की याद से हम लोग चालू करेंगे, है ना। और ऐसे करते करते हम लोग को जो है टोटल 8 तक पढ़ना है, तो 4 हो गया है, 4 और पढ़ने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।